अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी हार्डकोर एनिमेशन स्किल्स के जरिए 2D एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है कि बगैर डाउनलोड किए, बगैर किसी स्किल के, हार्डकोर स्किल के, हम कार्टून वीडियोस बना सकते हैं। इसी टूल के जरिए बहुत सारे फ्रीलांसर्स एक्सप्लेनर वीडियोस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टूल को यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग देखो सुनो जानो। इसके बारे में मेरे से बहुत दफ़ा पूछा गया। अच्छी चीज़ यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और गलत चीज़ या फिर पैड़ी चीज़ यह है कि ये फ्री नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखें, हम किसी न किसी नतीजे पर इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे। ओके, वेबसाइट का नाम है व्यूंग। व्यूंग पे जाके अकाउंट बनाएं और उसके बाद उसको लॉगिन कर लें। फ्री में सिर्फ आपको ट्रायल मिलता है, ये आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और लॉगिन आ जाता है। आपके पास इधर लेफ्ट साइड पे एक बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं और इसमें से पहला ऑप्शन है कॉन्टेम्प्रेरी का, बिजनेस फ्रेंडली एंड वाइट बोर्ड एनिमेशन। इसमें से जो बेस्ट वन है, जो मेरा फेवरेट वन है, वो बिजनेस फ्रेंडली है। यहाँ पर नीचे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हुई है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये आपने बहुत सारी एक्सप्लेनर वीडियोस और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इसी से ही वीडियोस बनाई जाती हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ये लोड करेगा, ऑनलाइन ही लोड करेगा, कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा, ये सब वहीं से लोड करेगा और यहाँ पर इस तरह से ले जाएगा, एसेट्स को लेके आएगा। अभी उसने यहाँ पे पहली स्लाइड लोड कर ली है जिसके अंदर काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं, बैकग्राउंड में भी करेक्टर्स पड़े हुए हैं। और अगर मैं इस स्लाइड को प्रीव्यू में जाके देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह की स्लाइड इस तरह से आ रही है। अब चीज़ ये है कि व्यूंग के अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान है कि इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस करेक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस करेक्टर का जो ये फेस है ये सैड होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊँगा, एक्सप्रेशन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके एक्सप्रेशन पे जाऊँगा और एक्सप्रेशन पे जाके यहाँ पे एक्शन के ऊपर मैं सैड के ऊपर क्लिक करूँ तो इसका फेस सैड हो जाएगा। ये तो थी बड़ी छोटी सी चीज़। इसके अलावा इसके अंदर एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस करेक्टर के ऊपर कोई एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक्शन के ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसके ऊपर जंपिंग का एनिमेशन लगा देता हूँ, जो कि एक ऑफिस के अंदर बड़ा वियर्ड सा लगता है लेकिन हम लगा देते हैं। अब इसमें जंपिंग के अंदर कितने सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा। तो मैं सिर्फ जस्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे पास ये एनिमेशन आ जाएगा। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये देखें इस तरह से है। इसके अलावा मैं इस करेक्टर को अपनी मर्ज़ी से रिसाइज कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से रिसाइज कर सकता हूँ और इसको वॉक करवा सकता हूँ, जो कि 2D के अंदर थोड़ा काफ़ी मुश्किल काम होता है। वॉक करवाना है काफ़ी मुश्किल काम कंसिडर किया जाता है, तो मैं उसको वॉक करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ जाऊँगा, एक्शंस के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर जाके वॉक वाला साइकिल लगा दूँगा, वॉकिंग वाला साइकिल लगा दूँगा। आपने देखा होगा स्लाइड के शुरू में ये करेक्टर लेफ्ट साइड से आता है, वो क्या है, वो यहाँ पे इफ़ेक्ट, यहाँ पे इंटर इफेक्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे जाके इफेक्ट लगा हुआ है कि इतने डिले के बाद ये करेक्टर यहाँ पे आए और उसके बाद उसका एक्शन शुरू हुआ। उससे अगली चीज़ आ जाती है लिप सिंक वाली। लिप सिंक इसके ऊपर इतनी आसान है कि अभी वो हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। जस्ट मैंने इस करेक्टर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एक्सप्रेशन के ऊपर चला गया और जहाँ से हमने इसको सेट किया था वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे मेरे पास लिप सिंक का ऑप्शन है, टॉक एंग्री विथ नो लिप सिंक, ठीक है, या फिर टॉक नो लिप सिंक, टॉक सैड नो लिप सिंक, मतलब वैसे ही सिर्फ होंठ हिलाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास आएगा और यहाँ पे देखो मैं इसे अप्लाई कर दूँगा तो अब इसके ऊपर लिप सिंक भी आ चुके हैं, हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखो, फिर ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इस तरह से लिप सिंक इसके ऊपर ऐड करें, हम इसके ऊपर डायलॉग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके डायलॉग के ऊपर क्लिक करके हम अपनी मर्ज़ी का डायलॉग ऐड कर सकते हैं, हम उस टेक्स्ट ऐड करके उसके ऊपर उससे उसको स्पीच करवा सकते हैं। लाइक जो भी मैं इधर लिखूँगा वो उस हिसाब से बोलेगा। और नीचे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लाइक मैंने कौन से वाले एक्टर की
कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस ओवर रखनी है, तो उस हिसाब से मैं रख दूंगा तो ये उसी तरह से करेगा, ये उसी तरह से उसके ऊपर लिप सिंक कितना लिप सिंक के साथ उसके ऊपर उसके साथ ही साउंड वॉइस ओवर भी आ जाए। फिर ये तो थी पहली स्लाइड, इसके बाद हमने अगर नेक्स्ट सीन ऐड करना है तो हम यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर जाके हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है चूज फ्रॉम द टेम्पलेट, एक होता है कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट सीन, और उसके बाद ब्लैंक। इसको हम आगे जाके देखेंगे, हम सबसे पहले टेम्पलेट से जाके चूज करते हैं। अब हमारे को यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर फाइव लिखता हूँ तो मेरे पास इनके सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये इस तरह से टेम्पलेट बने बनाए हैं, सिर्फ आपने उसके ऊपर जाके एडिटिंग करनी है। तो मैं ये वाला टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ तो इसके ऊपर ये देखते हैं इस तरह से चीज आ गई। फिर उसके बाद दोबारा से प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस दफा मैं कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट सीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वही सीन जो पिछला वाला सीन है उसको दोबारा लोड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको रन टाइम के ऊपर कुछ चेंज करना है, इसके ऊपर एक्शन चेंज करना है, मैं यहाँ पे एक्शन कर देता हूँ क्राइंग, तो वो वाला आ जाएगा। जैसे आप प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से देखिए इस तरह से आ रहा है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, हम ब्लैंक सीन के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जाके हम अपनी मर्जी से कोई भी सीन बिल्ड कर सकते हैं, और सीन बिल्ड करना इसके अंदर इतना आसान है शायद किसी भी टूल के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे प्रॉप ऐड करने के ऑप्शन है और करेक्टर्स ऐड करने के ऑप्शन है। उसके अलावा हम कोई भी चीज़ कोई भी इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले करेक्टर पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके स्पोर्ट्स वाले पे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के करेक्टर हैं, जो उनसे आपको अच्छा लगे तो वो वाला ऐड करें। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाला करेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इसके अंदर काफ़ी सारे एनिमेशन हैं। ये ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके एक्शंस के ऊपर चला जाऊँगा। तो जो भी मैंने इसे एक्शन करवाना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसे हॉर्स राइडिंग करवाना है तो मैं हॉर्स के ऊपर क्लिक करूँगा और जस्ट हॉर्स के ऊपर क्लिक करके इसे मैं अप्लाई कर दूँ। तो ये आप देखें, ये अब हॉर्स राइडिंग कर। फिर यहाँ पे प्रॉप्स के ऊपर जाके मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एनिमेशन मिल गए। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो ये चीज़ें हैं ये एनिमेशन हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आएगा कि ये चीज़ें इस पर क्या चीज़ आ रही है। मैंने जस्ट ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये चीज़ वैसे की वैसी वहाँ पर आ गई, मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। और उससे अगली चीज़ ये है कि अभी मैं बिज़नेस फ्रेंडली उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं मूव होना चाहता हूँ। अगर मैं कॉन्टेम्प्रेरी के ऊपर मूव होना चाहता हूँ या वाइट बोर्ड के ऊपर मूव होना चाहता हूँ तो यहीं से मूव हो सकता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और चीज़ों को ऐड कर लूँ। लास्टली हम इसके ऊपर अपनी मर्जी का वॉइस ओवर ऐड करने के लिए यहाँ पे जाके सबसे पहले उसको अपलोड करेंगे, और उसे अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से यूं आएंगे, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास अब उसके ऊपर वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर भी लग गया। तो मैं इसको इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ले जा सकता हूँ, शुरू पे ले जा सकता हूँ। ये दो आ गए हैं तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का बटन दबा के मैं डिलीट कर दूँगा। ये अगर मुझे अपने स्लाइड की टाइमिंग ज़्यादा करनी है तो जस्ट मैं यूँ ड्रैग करके इसको ज़्यादा कर लूँगा, किसी को कम करना है या ज़्यादा करना है जिस तरह से भी करना है मैं जस्ट उससे इस तरह से काम कर लूँगा। लास्टली अगर मैं इसके ऊपर मोशन पाथ लगाना चाहता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मोशन पाथ के ऊपर ऐड मोशन पाथ के ऊपर क्लिक कर दूँगा और उसे अपनी मर्जी का मोशन पाथ यहाँ पे जाके उसे कहाँ पे मूव करना है मैं जस्ट इसे इस तरह आगे मूव कर लूँगा, कहाँ तक मूव करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करना है, और जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये मोशन पाथ पे लग जाए। ये देखिए आपने देख लिया होगा
कि व्योंड के ऊपर चीजें इतनी सिंपल हैं कि जस्ट आपने क्लिक करना है और आपके सारे काम हो गए। अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं विदाउट एनी स्किल तो व्योंड इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। और इसी से बहुत सारे लोग फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा एक्सप्लेनर वीडियोस की, वाइट बोर्ड एनिमेशन की, बहुत सारे लोग वीडियो स्क्राइब या फिर वाइट बोर्ड एनिमेशन में बहुत सारे लोग वीडियो स्क्राइब भी यूज़ करते हैं, लेकिन व्योंड भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जब मेरे पास सब काम हो जाएंगे तो मैं जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में और मेरे पास वीडियो रेडी हो जाएगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे सामने वीडियो। अगर आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे वाटर मार्क आएगा और एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके करेंगे भी तो आपके पास यहाँ पे वाटर मार्क आएगा। आपको इसका प्रीमियम अकाउंट ही लेना पड़ेगा। अब प्रीमियम अकाउंट इसका काफ़ी महंगा है, $89 पर मंथ का है। तो उसका तरीका ये है कि एक तो चीज़ ये है कि तीन चार लोग इकट्ठे मिलके यूज़ कर सकते हैं कोई मसला नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं। वो किस तरह से मिलते हैं वो इंशाल्लाह कोई ना कोई मर्द मुजाहिद नीचे कमेंट करके बता देगा। जी, जिस तरह से मैंने वीडियो के अंदर बताया बिल्कुल ये पॉसिबल है कि इसके अकाउंट्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे अपनी सर्चिंग की एक्सपर्टीज या स्किल्स शो करने पड़ेंगे। जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप उस जगह तक पहुँच जाएंगे। वैसे मैं कमेंट्स के अंदर बहुत हेल्थी डिस्कशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ से आपको कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पर आपने जाके ये काम करना है। तो आप कमेंट्स देखें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।